हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर 81, मैथ्स की वर्कशीट है, क्लास थर्ड है, डेट है आपकी 28 सितंबर। यहाँ पे जो करने वाले हैं आज हम, एनालाइज एंड अप्लाइज एंड अप्रोप्रिएट नंबर ऑपरेशन इन द सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एनालाइज करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे और किसी भी एक ऑपरेशन को सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपने टीचर का नाम लिखना है। पहला तो चित्र पहेली, जैसा कि आपको पता है हर वर्कशीट में, हर मैथ्स की वर्कशीट में आपको चित्र पहेली आता है। तो देखते हैं, यहाँ पे जो है हमें चित्र एक दिया गया है, चित्र दो दिया गया है, इन दोनों में हमें चार गलतियाँ ढूंढनी है। ठीक है, तो चार गलतियाँ ढूंढनी। तो देखिए, पहली गलती देखिए, यहाँ पे पानी के बबल्स हैं और यहाँ पे नहीं है। ठीक है, दूसरी गलती ये देखिए, ठीक है, ये दूसरी गलती है। और थर्ड मिस्टेक, यहाँ पे ये फिशेस है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो कितनी गलती हो गई बच्चों, चार गलतियाँ हो चुकी हैं हमारी। अब ढूंढनी हमें, सॉरी, तीन गलतियाँ हो चुकी हैं, अब ढूंढनी हमें चौथी गलती। ठीक है, चौथी गलती आपको कहीं दिख रही है, चौथी गलती ढूंढना थोड़ा सा हार्ड है, बट हम ढूंढेंगे। चलिए देखते हैं क्या गलती है यहाँ पे चौथी। बच्चों मुझे तो यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं दिख रही है, शायद मुझे ना दिख रही हो, आप लोगों को दिख जाए तो आप देख लीजिएगा एक कोई मिस्टेक। ठीक है, और आप ढूंढ के लिख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं पकौड़ों की दुकान। किसकी दुकान बच्चों? पकौड़ों की दुकान। पकौड़े खाना सबको पसंद है। शिवानी के भैया की चाट पकौड़े की दुकान है। एक दिन उसके भैया को सूखा राशन लेने के लिए थोक मूल्य की दुकान पर जाना था, इसलिए कुछ देर के लिए शिवानी को दुकान संभालनी थी। भैया ने जाने से पहले शिवानी को कहा कि वह जो भी सामान बेचे उसका हिसाब रखे। ठीक है, देखिए, जो भी सामान बेचे उसका हिसाब रखे। तो शिवानी ने, देखिए यहाँ पे जो है, समोसा 7 रुपये का है, ब्रेड पकौड़ा 10 रुपये का है और पनीर पकौड़ा 15 रुपये का है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। शिवानी द्वारा बेचे गए सामान का हिसाब, उसने 9 समोसे बेचे तो हो जाएगा बच्चों, 9 × 7 पढ़ोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 63। अब यहाँ पे 5 ब्रेड पकौड़े बेचे उसने, तो 5 ब्रेड पकौड़े 10, ये हो जाएगा 50। और 2 पनीर पकौड़े बेचे तो 2, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, मूल्य सूची, सामान एक पैकेट की कीमत, मैदा 42, ठीक है, ब्रेड 35 और नमक 20। तो चलिए, भैया ने थोक मूल्य की दुकान से जो सामान खरीदा उसकी कीमत के साथ नीचे दी गई सूची में लिखी गई है, क्या आप सामान की कुल कीमत पता लगाने में भैया की मदद करेंगे? बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं, मैदा उन्होंने खरीदा 5 पैकेट, एक पैकेट का है 42, तो 42 को क्या करोगे बच्चों आप, 5 से गुणा कर दोगे तो यह जाएगा 5 × 10 हासिल, 1 × 5 = 20 और 1 × 21 210 रुपये का। ब्रेड खरीदा उन्होंने 2, एक है 35 का, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 35, तो 35 जो नहीं होता है बच्चों 70। नमक है 4 थैली खरीदिया और एक है 20 की, ठीक है, तो 4 और यहाँ पे 20, तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, तो सामान की कुल कीमत, तो इसके कितने, मैदा की कुल कीमत 210 रुपये, ब्रेड की कुल कीमत 70 रुपये, नमक की कुल कीमत 80 रुपये। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। अब देख लेते हैं कि आपको के लिए कुछ सुझाव दिया गया है। किसी एक तरह के पकौड़े बनाने की विधि और इस्तेमाल होने वाली सामग्री की सूची बच्चों से बनवाइए। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों, टेक केयर।